नमस्कार प्रोफेसर SVSS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। अब कबीर के पदों की जो व्याख्या की श्रृंखला में और एक पद, क्योंकि कबीर सच्चे अर्थों में सही गुरु भी हैं और समाज सुधारक है। मैं बार बार कबीर को समाज सुधारक ही कहता हूँ क्योंकि बाद में तो कवि है। और यहाँ कबीर चेतावनी देते हैं। कैसे चेतावनी देते हैं, थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन इसके पीछे हम भक्त को या शिष्य को उद्धार करने की एक उनके मन में अकुंठित इच्छा या दीक्षा या श्रद्धा मैं कहता हूँ। देखिए कबीर ऐसे बताते हैं, कबीर सूता क्या करें, जागी ना जपै मुरारी, एक दिन सोवन होएगा लंबे पांव पसारी। देखिए आमतौर पर लोग कहते हैं कि हम पूजा पाठ या भगवत चिंतन करना है तो इसके लिए अलग उम्र है, एक बहुत गलत चीज है। कबीर बढ़िया बताते हैं, देखिए यहाँ जग में सभी लोगों को बता, कबीर सोता क्या कर, यहाँ सोना मतलब अज्ञान रूपी निद्रा में, यहाँ ऐसी जो निद्रा है अज्ञान रूपी निद्रा में क्यों बैठे हैं। जागो मतलब, जागो मतलब भौतिक रूप से नहीं, इस अज्ञान रूपी निद्रा से जागो। और किसको जपने के लिए बता रहे हैं, जपाए मुरारी। हम सब जानते हैं मुरारी, मुरारी कृष्ण का नाम है, लेकिन कृष्ण को मुरारी नाम से क्यों पुकारते हैं। वास्तव में मुर नामक एक राक्षस का संहार किया है कृष्ण ने, इसीलिए मुर मतलब मुर प्लस आरी मतलब मुरी ना, मुर नामक एक राक्षस को जो मारा था, संहार किया था, इसीलिए कृष्ण भगवान का वो नाम मिला है मुरारी। मुर नामक राक्षस को संहार किया है। तो अब किसको प्रार्थना कर रहे हैं, किसका जपने के लिए बता रहे हैं, मुरारी भगवान कृष्ण। लेकिन कबीर का कृष्ण तो निर्गुण हो सकता है, लेकिन मैं बार बार ये बताता हूँ, कबीर मुरारी नारायण जनार्दन गोविंद वल्लभ इतने भगवान विष्णु के उपनामों को प्रयोग किया है। मुझको कभी कभार ये संदेह आता है कि ये सगुण भक्ति कवियों को भी पीछे छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि इतने, क्योंकि रामानंद के शिष्य हैं। लेकिन निर्गुण होने का कारण अलग है, हम कभी बढ़िया विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन कबीर कहना चाहते हैं, देखिए आप अज्ञान रूपी निद्रा से उठो और किसका जप करना है, भगवान श्री कृष्ण का जप मतलब नाम स्मरण आरंभ करो, भगवान को जानने का कार्य आरंभ करो। और आगे बता रहे, देखिए इतनी बढ़िया सार्थक उक्ति है, एक दिन सोवन होएगा लंबे पांव पसार। देखो भाई, इस दुनिया में जब हम आते हैं तो जाना तो तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान अवतार धारण करने के बावजूद भी अवतार समाप्ति करके वैकुंठ गए हैं, तो भगवान के लिए यह नियम है, तो साधारण मनुष्य के लिए क्या है। तो एक दिन सोवन हो गए, एक दिन आपको सोना ही पड़ता है। कैसे सोना पड़ता है, लंबे पांव पसारे मतलब उससे उठने का मतलब ही नहीं, मतलब आप उठने का है सवाल ही नहीं, मतलब आप एक दिन मरना या इस प्राण त्याग करना, इस देह त्याग करना, ये तो सब मतलब बिल्कुल सत्य है। इसीलिए अब क्या कहना चाहते हैं, सोना तो एक दिन सोना ही है, मतलब चिर निद्रा में जाना तो तय है, कम से कम अब आप जागो चेतना, क्योंकि कबीर इतना चेतना दे रहे हैं कि वो कहते हैं, देखिए वो ऐसे बता रहे हैं कि हे जीव हे मनुष्य, तो अज्ञान रूपी निद्रा में सोते हुए क्या कर रहा है, क्योंकि इससे उठो जागो और इस निद्रा से मतलब इस आलस्य से, इस अज्ञान रूपी निद्रा से त्याग बाहर आकर, इसको त्याग करके अज्ञान को छोड़ के भगवान श्रीमन नारायण श्री कृष्ण का स्मरण करो। और क्योंकि एक दिन तो तुझे पैर फैला कर चिर निद्रा में मग्न होना तो तय है, सत्य है। इसीलिए कबीर सबको चेतावनी दे रहे हैं, हे मनुष्य अब इस अज्ञान रूपी निद्रा को
छोड़ दो और इससे बाहर आकर भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करना, मतलब भगवत भक्ति, भगवत चिंतन, भगवान के बारे में जानने का कार्य आरंभ करने के लिए हम सबको चेतावनी दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।